प्रतिबल और विकृति के बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके लिए एक वायर का यूज करेंगे और प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या है ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। इन दोनों के बारे में आपको पहले से ही पता है कि ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन, है ना, आकार आकृति में परिवर्तन बटे वास्तविक या मूल आकार आकृति। प्रतिबल क्या होता है, एकांक आयतन में या एकांक क्षेत्रफल में जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया उसको हम लोगों ने प्रतिबल कहा था, याद है। एक काम करिए, इसके लिए ना एक मेटेलिक वायर ले लीजिए आप। ये मान लेते हैं आपका एक मेटेलिक वायर है जो इस सपोर्ट से टंगा हुआ है। अब इस वायर पे अगर मैं भार लटकाऊं, एक भार लटका दूंगा, तो इसकी लंबाई बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, क्लियर है बात। उसके बाद इस भार को थोड़ा और बढ़ा दूं, अगर मैं पहले एक ठो वेट लगा था उसको दो ठो वेट कर दूंगा, तो आपके वायर का लंबाई थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। उसके बाद एक वेट अगर और लटका देंगे आप तो लंबाई और बढ़ जाएगी, क्लियर है बात। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग वेट बढ़ाते जा रहे हैं इस तार के ऊपर में, तो इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्लियर है बात। लेकिन एक चीज ये भी समझना, अगर आप इसी वेट को कम करते जाएंगे, जैसे तीन वेट है ना, इसको दो वेट जैसी करेंगे तार की लंबाई कम हो जाएगी, दो वेट को एक वेट कर देंगे तो ये वापस इस स्टेज में पहुंच जाएगा, और एक भी वेट नहीं रहेगा तो अपने ओरिजिनल शेप को ले लेगा। मतलब ये प्रोसेस कब तक होगा, कुछ देर तक ऐसा होगा। अब मान लेते हैं एक वेट और लटका दिया, अब अगर आप इस वेट को कम करेंगे ना तो ये सेम डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगा, बात समझ में क्लियर है। इस वेट को अगर और बढ़ाते जाएंगे, अब और बढ़ा देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी लंबाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगेगा बिना वेट बढ़ाए, मतलब फ्लो करने लगेगा, टूटने वाली स्थिति, जस्ट टूटने से पहले वाला केस। मतलब तीन बातें एक साथ कर रहे हैं हम लोग, पहला ये वो स्थिति जब अगर वेट बढ़ाएंगे तो लंबाई चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज होगा, और जैसे ही वेट घटा देंगे, स्ट्रेस कम कर देंगे, वेट कम करते जाएंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप को ले लेगा। बाद में आपने ये भी देखा कि ओरिजिनल शेप को लेगा तो लेकिन कुछ बड़ा हो जाएगा, जैसे रबर देखा है, रबर देखे हो, बार बार रबर को अगर खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, एक टाइम ऐसा आता है बेचारा रबर अपने लंबाई को खुद ब खुद बड़ा कर लेता है। अलग अलग स्टेज है जिसपे इसके ग्राफ को हम लोग को डिस्कस करना है। ये जो वेट आप चढ़ा रहे हैं ना, इसको स्ट्रेस देना बोल सकते हैं, और ये जो लेंथ चेंज हो रहा है आपके तार का, उसको हम लोग विकृति कह सकते हैं। अब बात ये समझते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे होगा, कैसा कैसा परिवर्तन होगा और कहां कहां क्या क्या परिवर्तन होगा। उसके लिए एक ग्राफ बनाइए, ये एक ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में ध्यान से ये समझिए कि फर्स्ट स्टेज कौन सा है। देखिए ये जो इनिशियल स्टेज है ओ से लेकर के ए तक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है कहने का मतलब जितना वेट आप चढ़ाते जाएंगे उतनी ही विकृति आएगी, जितना स्ट्रेस आप देंगे उतना ही स्ट्रेन बनेगा, और जैसे ही अनलोडेड करेंगे, प्रतिबल को कम करेंगे या लोड को कम करते जाएंगे, तो ये सेम इसी पाथ से होते होते वापस ओ पे आ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ओ से लेकर के ए तक अगर आप ध्यान दें तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। मतलब इस रीजन में ओ से लेकर के ए तक के रीजन में आपका ये जो तार होता है वो कैसा रहेगा, परफेक्ट इलास्टिक रहेगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। ये पहला स्टेप, बोलिए क्लियर है, पहला स्टेप में कोई डाउट शायद नहीं होगा। चलिए दूसरा स्टेज में जाते हैं। अब लोड को और बढ़ाइए, अब कहां पहुंच गए आप, लोड को बढ़ाते 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 कहां पहुंच गए, ए से बी पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ए से बी पे चले गए। अब अगर ए से बी में पहुंचने के बाद ध्यान दीजिए,
अब अनलोडेड करेंगे आप, लोड कम करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप को ले लेगा। बी पॉइंट में अगर आप लोड को कम करना शुरू करेंगे तो ये बी ए ओ मार्ग से वापस आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है ये ना, थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो रीजन होगा आपका, ये ओ से लेकर के बी तक का जो क्षेत्र होगा, ओ से लेकर के बी तक का जो रीजन होगा, इसको इलास्टिक रीजन बोलेंगे, इसको प्रत्यास्थ क्षेत्र कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ क्षेत्र। और ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हम लोग प्रत्यास्थता सीमा कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको? प्रत्यास्थता सीमा नाम देंगे। क्लियर है? और इसके से संबंधित जो स्ट्रेस का मान होगा, इससे संबंधित जो स्ट्रेस आएगा, उसको यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे या यील्ड स्ट्रेंथ नाम दिया जाएगा इसको। क्लियर है बात? क्लियर है? यहां तक कहीं कोई डाउट? पहले एस ओ से लेकर के ए तक गए, फिर को भार को बढ़ाया तो कहां पहुंच गए आप? अगली पोजीशन बी पे पहुंच गए। बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक रीजन बोल रहे हैं। और बी पॉइंट पे हम लोग इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गए हैं, और इस बी के संगत जो स्ट्रेस होगा, बी के संगत जो स्ट्रेस निकल के आएगा, उस स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस कहेंगे। अब इसका हिंदी नाम क्या हो सकता है वो सोचना पड़ेगा यार। यील्ड स्ट्रेस कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं पराभव प्रतिबल कहते हैं इसको, ठीक है? पराभव प्रतिबल इसका नाम है, पराभव प्रतिबल। ठीक है? इसमें यहां ये जो पॉइंट बन रहा है इसको पराभव प्रतिबल कहेंगे। अब उसके बाद क्या करिए? वेट को और बढ़ाते जाइए। अब जब वेट को और बढ़ाएंगे तो अब कहां पहुंच गए? बी के बाद सी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ठीक? अब अगर अनलोड करेंगे, प्रतिबल की मान को कम करना शुरू कर देंगे, तो ये इस रास्ते से वापस नहीं होगा, ये सीधा सीधा इस रास्ते से वापस होगा, और आपकी तार की लंबाई लगभग ओ ई बढ़ जाएगी। अपने पुराने लेंथ को वो रीगेन नहीं कर पाएगा, उसमें परमानेंट सेटअप आ जाएगा, स्थाई परिवर्तन आ जाएगा। ये जो क्षेत्र बना OE, इसको स्थाई परिवर्तन कहेंगे। क्लियर हुआ? आपके वायर में परमानेंट सेट आ जाएगा, और फिर से अनलोड करेंगे तो सेम पाथ से वापस नहीं आएगा। इस स्थिति में आपके पास क्या बनेगा? प्रत्यास्थ शैथिल्य, इलास्टिक हिस्टेरिसिस बन जाएगा। उसके बाद वेट और बढ़ाइए। वेट और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो सी से कहां पहुंच गए आप? डी पे। डी पॉइंट पे जब आप पहुंच जाते हैं, डी पॉइंट पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो ये जो डी पॉइंट होता है, यहां चरम सामर्थ्य होता है, या इसको तनन सामर्थ्य कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे। इसके संगत जो स्ट्रेस होगा उसको, इसके संगत जो स्ट्रेस होगा उसका नाम क्या है? चरम सामर्थ्य, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इसके लिए क्या नाम यूज किया था हम लोगों ने? पराभव सामर्थ्य। इसके लिए क्या था? पराभव सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ नाम दिया था। क्लियर हो गई बात? अब यहां समझिए आप कि ये जो डी पॉइंट आया, ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट के बाद अब अगर आप और लोड देंगे अपने तार को, तो आपका तार क्या करता है? अपने लंबाई को बहुत तेजी से चेंज करता है। अब वेट दो या ना दो, जो वेट आपने चढ़ाया है उसी के हिसाब से, उसी के प्रभाव से अपने स्ट्रेन को चेंज करने लगता है। और ई के बाद अगर आप वेट देते हैं तो आपका तार ब्रेक हो जाएगा। तो इस ई को जो लास्ट में बना हुआ है, इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्चर पॉइंट। क्या क्या बोला एक बार सोच लीजिए, और अगर सोच लिया तो नंबर वन स्टेप क्लियर है, ओ से ए तक सरल रेखा बनी। नंबर टू, ओ टू बी,
नंबर टू ओ टू बी ए के बाद की स्थिति, यहां पे दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, थोड़ा सा घुमाव आ गया है। अब अगर भार हटा देंगे तो ये वापस तो आ जाता है अपने मूल स्थिति में, लेकिन थोड़ा परिवर्तन ज्यादा या कम हुआ था, इसलिए यहां ओबी को हम लोग प्रत्यास्थ क्षेत्र में कहेंगे। बी के बाद अगर और लोड को बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेस की अपेक्षा स्ट्रेन तेजी से होने लगता है, लेकिन अगर सी के बाद अनलोडेड करेंगे तो ये अपने मूल स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा, इसमें स्थायी परिवर्तन आ जाता है। कितना? ओ के स्थान पर ये ई पर वापस आ जाता है, मतलब ओ ई का एक्स्ट्रा लेंथ इसमें आ जाएगा। ठीक, जीरो कर देने के बाद भी ये अपने ओरिजिनल स्टेट को वापस नहीं लाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर होगा। अब इसके बाद फोर्थ स्टेज कहां पहुंच गए हैं आप? ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, अब सी से डी चलते हैं। सी के बाद अगर और वेट को बढ़ाएं आप तो डी पे पहुंच जाएंगे। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? तनन या फिर चरम सामर्थ्य नाम दिया था इसका। ठीक है, इसके बाद अगर वेट और बढ़ा दिया जाए तो आपका तार टूट जाएगा, आपका जो वायर होगा वो टूट जाएगा। ई अगर रिपीट हो रहा है लग रहा है आपको तो इसको ई डैश कर लीजिए या फिर एफ कर लीजिए, अल्फाबेट की कमी नहीं है, है ना? तो ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसके बाद अगली स्थिति पे आते हैं। पुराने एक जो टॉपिक था उसमें एक डायग्राम आप लोगों ने देखा था, ये डायग्राम याद है? इस डायग्राम को नहीं बोल रहा हूं ना, ये डायग्राम नहीं, इसके मैं बाद में बात करेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस डायग्राम में आपने क्या कहा था? अगर इसमें फोर्स लगाएंगे इसके लेंथ को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नाम दिए थे, और इसके लेंथ में जो चेंजेस आएगा उस पाइप का, देखिए थिकनेस कम हो जा रहा है ना, ध्यान रखना, थिकनेस कम हो जाएगा तो लेंथ चेंज हो गया, तो कौन सा? अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। क्या बना? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बना और इसके संगत अनुदैर्ध्य विकृति बन गई। इन दोनों का जो अनुपात होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति के साथ जो अनुपात होगा उसको यंग प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक किसे कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति के साथ जो अनुपात निकल के आया उसको हम लोग यंग प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। बोलिए हाँ। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेज पे आते हैं। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ यंग मॉडुलस का? अब इसके बाद में ये क्यूब लिया, इसका वॉल्यूम कितना? वी। इसमें हर डायरेक्शन से अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। पूछो कितना कम हुआ? इतना कम मतलब कैपिटल वी की जगह स्मॉल वी हो गया। तो इसमें भी फोर्स लगा है, हर एक एरिया में नॉर्मली लगा है ना, तो अभिलंब प्रतिबल बना, नॉर्मल स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल का आयतन विकृति के साथ जो अनुपात होगा, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ इसलिए माइनस आया, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्या निकल गया? बल्क मॉडुलस। और इस बल्क मॉडुलस का अगर उल्टा ले लें आप, इसका रेशिपोकल ले लें, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, संपीड्यता कहते हैं। बल्क मॉडुलस का जो व्यतिक्रम होगा उसको हम लोग संपीड्यता कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, या आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। बोलिए समझ में आ गया? आगे चलिए। आगे गए तो ये वाला सेप, इसमें क्या बोले थे आप? ये वाले सरफेस को फिक्स कर देंगे और इसमें एक फोर्स लगाएंगे, ऐसा लगाने से क्या हो जाएगा? नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, इसका शेप चेंज हो जाता है। इसमें कौन सा प्रतिबल लगेगा? तो बोले थे शियरिंग स्ट्रेस, है ना?
अपरूपण प्रतिबल, और इसमें थीटा एंगल बना है, थीटा एंगल बना, तो इसमें विकृति कौन सी, टेन थीटा। नाम क्या दिया था इसको, शेयरिंग स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो अगर निकाल दिया जाए तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बनता है। इन दोनों का जो डिवीजन होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉल्व कर लीजिए, इसका फॉर्मूला भी आ गया। बस ध्यान रखना भाई, फॉर्मूला सेम दिख रहा है तो कंफ्यूजन मत करना कि वाई जो होता है ईटा के इक्वल होगा, गलत। यहां पे ये कंडीशन है जिसमें शेप चेंज किए हैं और यहां लेंथ चेंज करने वाला है। ध्यान रखना, मैंने लेंथ इसका लिया है और इसमें चेंजेस कितने का आया है, एक्सेस स्मॉल एल इधर आया है, तो ये वाला चीज अलग है, ये वाला चीज अलग है। अब एक चीज और सोच सकते हैं आप, क्या ये वाला जो पाइप पहले मोटा था, फोर्स लगा के जब इसको लंबा किए तो इसका डायमीटर क्या हो गया, इसका व्यास क्या हुआ, कम हुआ। तो प्रारंभिक व्यास का और व्यास में परिवर्तन, दो चीजें हुई ना यार, पहले इसका डायमीटर डी था, अब डायमीटर घट के स्मॉल डी का चेंजेस हुआ है, कम हुआ है ना, तो व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या नाम देंगे इसको, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, पार्श्विक विकृति। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विकृति। और इसको क्या नाम हुआ, पार्श्विक विकृति। किसको बोलते हैं, व्यास में परिवर्तन बटे मूल व्यास या वास्तविक व्यास, दोनों का जो अनुपात आएगा उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, पार्श्विक विकृति बोलते हैं। बोलिए हाँ। अब ध्यान देना, देखो ये लेंथ में परिवर्तन हुआ, इसको क्या नाम दिया था, अनुदैर्ध्य विकृति। ये डायमीटर में परिवर्तन हुआ, क्या नाम दिए थे इसको, पार्श्विक विकृति। अरे यार, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसका नाम बोलो, नाम बोलो इसका, इसका नाम है लेटरल स्ट्रेन। इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। मरने वाला पॉइजन नहीं, पॉइजन अनुपात है वास्तव में, ये पॉइजन अनुपात। इसको सिग्मा से शो करते हैं और सिग्मा की वैल्यू ये है, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के, बोलो, तीन प्रकार के। पहला यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, और इसके रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहा था, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसका जो व्यतक्रम होगा, इसका जो प्रतिलोम होगा उसको संपीड्यता, और ये भाई साहब दृढ़ता गुणांक है। और चूंकि इसके इसमें पहली स्थिति में इसके डायमीटर में भी चेंजेस हुआ है, तो एक नया रेशियो आ गया इसका, इसको पॉइजन अनुपात कहेंगे। नाम याद रखना और इसको लिखना, अब मैं लिख के दिखा नहीं रहा हूं इसको, इसकी परिभाषा लिखना। कैसे लिखोगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ठीक है। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट, वैसे इसका, इसका और ये। बोलिए, समझ में आ गया? अब अगले टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक।